ये वैज्ञानिक परीक्षणों में इस्तेमाल होने वाली बतख धोखे से रेडियोलॉजी विभाग में चली जाती है। अंदर बैठे दो साइंटिस्ट उसको बतख फ्राई बनने से पहले निकाल लेते हैं और बाहर उस बतख को ढूंढ रहे वैज्ञानिक अल्बर्ट को दे देते हैं। बतख द्वारा सभी परीक्षणों में खराब प्रदर्शन देने के कारण अल्बर्ट उसे घर ले जाता है। रात में बतख अंडे देती है, लेकिन अल्बर्ट अपनी पत्नी को बताता है कि रेडियो तरंगों के कारण वो अंडे प्रदूषित होंगे, इसलिए वो इसे नहीं खा सकते। वह उन्हें बगीचे में दफनाने जा रहा होता है कि तभी उसे एक अंडा गिरकर टूट जाता है। वह उसे उठाता है तो देखता है कि अंडे का बीच का हिस्सा सोने का है। अगले दिन वह अपने लैब में उसकी जांच करता है, जहां उसे पता चलता है कि अंडा असल में सोने का है। घर जाते हुए वो अपने दोस्त को भी उस सोने का अंडा देने वाली बतख के बारे में बताता है। घर पहुंचते ही वह तुरंत अपनी बीवी को इन अंडों के बारे में बताता है और बोलता है कि अब वो लोग अरबपति बन जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसने बतख को पास के एक किसान को बेच दिया है। सभी लोग तुरंत गाड़ी से उस किसान के पास जाते हैं, जो उन्हें बतख वापस बेचने को राजी हो जाता है और उनसे खेत के पीछे से बतख ले जाने को बोलता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां सैकड़ों बतखें थी। वो काफी देर तक उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलती। अल्बर्ट का बेटा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बतख उसे बहुत पसंद थी। तभी एक बतख उसका पीछा करने लगती है। बच्चा समझ जाता है कि ये वही बतख है और सभी को बता देता है।